उन्हें दिल्ली और कराची वॉर में युद में युद्ध शहीद हुए सिपाही के रूप में भी याद किया जाता है 66 साल पहले भारत सरकार ने एक मेमोरियल जारी कर लाहौरी राम के सर्वोच्च बलिदान का सम्मान भी किया था लेकिन सरकार आज ये मानने से इनकार करती है गंगा गंगाराम के दादा युद्ध में शहीद हुए थे ये कहानी इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि यहाँ जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं लाहौरी राम की जिनका निधन 12 दिसंबर 1942 में हुआ उनकी इंट्री स्वीपर के तौर पर कागज़ों में दर्ज है वह अंग्रेज़ों की तरफ से युद्ध करने गए और परिवार का मानना है कि युद्ध के दौरान ही वह शहीद हुए कुछ तारीखों का हेर फेर है महज कुछ तारीखों का एक साल के भीतर की जो तारीखें हैं उसने इस परिवार की किस्मत को बिल्कुल सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया यह परिवार इस समय जो संघर्ष कर रहा है वह सम्मान के लिए संघर्ष कर रहा है हम इस पूरी की पूरी कहानी के जितने भी पहलू हैं वह आपके सामने रखेंगे और हम बात करेंगे परिवार से कि आखिर वह क्यों अपने दादा के नाम के साथ जो सम्मान जुड़ा होना चाहिए उसके लिए इतनी लड़ाई कर रहा है वह अभी इतनी विपरीत परिस्थितियों में क्या हासिल होगा गंगाराम जी आपको ये जो आप कोशिश कर रहे हैं कि भारत सरकार आपके दादाजी को लाहौरी राम को आ, युद्ध शहीद माने उसे हासिल क्या होगा ऐसा था मैडम हम लोगों ने 2006 में ये कागजों को लेके क्या कहते हैं नगर में मैंने चिट्ठी लिखी तो उन्होंने मेरे को ये जवाब दिया कि आपके दादाजी पंद्रह अप्रैल 1941 के अंदर इनवेलीट आउट सर्विस चले गए लेकिन मेरे दिल को फिर भी तसल्ली नहीं हुई मैं इसको ढूंढता रहा ढूंढता रहा आर्मी हेड क्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हिस्ट्री डिवीज़न आर के पुरम आर के पुरम में जो हिस्ट्री डिवीज़न में जो किताब रखी हुई है सेकंड वर्ल्ड वार के शहीदों की उसमें मेरे दादाजी का नाम नहीं था तो मुझे और लालसा हुई इसको ढूंढने के लिए कि सबका है और ये जबकि भारत सरकार द्वारा अहमदनगर नगर द्वारा आर्मड कॉप द्वारा ये इनको सम्मान दिया गया है और उनकी वाइफ और मुन्नी को हम यानी कि हमारी दादी जी को उनको सम्मान में ये प्रस्तुति पत्र भेंट वो जरा सम्मान हमें दिखाइए क्या सम्मान है वो ये आपकी दादी को मिला था हाँ जी ये हमारी दादी जी को इन्होंने भेंट करा था और भेंट करने के बाद अब जब मैंने इसकी खोज करी मैं थोड़ा सा पढ़ू इसको क्या है इसमें लिखा हुआ the scroll, इसमें बीच में इनका नाम है हाँ जी हैल्ड इन ऑनर बाय द किंग एंड कंट्री एज वन गेव हिज लाइफ इन वर्ल्ड वॉर ऑफ 1939 टू 1945 टू सेव मैन काइंड फ्रॉम ट्रेनरी मे हि सेक्रीफाइज हेल्प टू ब्रिंग द पीस एंड फ्रीडम फॉर विच ही डाइड तो इसे बीच में उनका नाम लिखा हुआ है अच्छा उनका सर्विस नंबर है जी तो ये आपको कब मिला ये मेरे दादाजी को तेरह मई उन्नीस सौ पचपन में दिया गया था और एयरफोर्स स्टेशन रॉयल एयरफोर्स स्टेशन पालम के नाम ये आया था अच्छा हाँ जो कि जैसा इसमें लिखा हुआ है तो उसी को कि जब से ही हम लोग दादा पर दादा के टाइम से यही रोल रेफो स्टेशन रो रो पार्लम के अंदर ही रहते हैं और आज भी वहीं रहेंगे तो हमारी तो कोई फाइनेंशियल लेके तो कोई हमारी लड़ाई नहीं है लेकिन हम ये चाहते हैं जब इन्होंने कुछ ऐसा काम किया है देश के लिए जो कि इनका नाम जो है सी डब्ल्यू सी के अंदर भी लिखा जाता है कॉमनवेल्थ वार ग्रिफ्ट कमिश्नर यू के अंदर है उसके अंदर भी है दिल्ली uh, कराची वार मेमोरियल के अंदर भी है तो मेरा कहने का मतलब जब दिल्ली कैंटमेंट का इतना बड़ा वार मेमोरियल बना हुआ तो ये कहते हैं कि हमसे गलती से ये नाम दिया गया है तो गलती से तो कोई होगा नहीं कि एक साल बाद आके आदमी इनवैलिडेट होने के बाद दोबारा वो वो करे लेकिन वो उनके उन्होंने कुछ ऐसा देश के लिए काम किया जिसकी वजह से इंडिया सरकार ने और ब्रिटिश सरकार ने उनका सम्मान करा था ये अगर सम्मान मान लेते क्योंकि आप तो तमाम रक्षा मंत्रियों के पास भी पहुँचे हैं हर दरवाज़ा आपने खटखटाया आपने अदालत का भी दरवाज़ा खटखटाया वहाँ से आपको जवाब क्या मिल रहा है मैं पारिकर साहब के बाद जब वो रक्षा मंत्री थे तो 2016 के आसपास में उनसे लेटर चिट्ठी लिखी थी तो उन्होंने मुझे बुला के सारा केस देखा था और देखने को उन्होंने बोला था नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है लेकिन मैं इस केस को देखूँगा लेकिन उनका जो जवाब आया मेरे प्रति मतलब उनके प्रति इतना दुखदाय था कि जो कि मैं उस को देख के बड़ा हैरान रहा कि हमारा भारत सरकार इंडिया का आदमी होने के बाद और हमारी भारत सरकार और आर्म आर्मी के आ, आ, आर्मी के जवान की ये मतलब ये हमारी सरकार उसकी मिथ्या कर रही कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मैंने इस लड़ाई को लड़ा है उसमें अभी तक कहीं से भी मुझे चाहे वो आर्मी हेडकोटर रहा हो या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रही हो या अहमद नगर रहा हो तो ये सब जगह से होने के बाद मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ क्योंकि मुझे अभी भी तसल्ली नहीं है क्योंकि सम्मान जब ही होता है जब आदमी देश के लिए कुछ कर गुजरता है लेकिन ये बताइए कि इससे आपको कुछ मदद तो मिलेगी नहीं अब तो कोई पेंशन और बाकी सब चीज़ तो आपको मिल नहीं सकती है तो ये जो आपने इतने लंबे समय से लड़ाई चला रखी है जिसको आप अदालत में भी आपने कोशिश किया न्याय में सरकार का क्या कहना है कि उनकी डेथ बाद में हुई जो मैंने कागज़ देखे हाँ सरकार कहती है वो इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस जाने के बाद ये आँ... उनके पास तो लॉन्ग रोल के अंदर यही चीज़ दर्ज जाएगी। वही मतलब मतलब वो पहले रिटायर हो चुके थे 1941 में रिटायर हो गए थे और उसके बाद 42 में उनका निधन नेचुरल कॉजे से हुआ इसलिए वह युद्ध शहीद नहीं है यह सरकार कह रही है बयालीस के अंदर जो ये इराक़ फ्री के अंदर थी मैंने हिस्टी डिवीजन से इसका वो मांगा भी था तो उन्होंने ये बोला कि ये उस दौरान इराक़ के अंदर तैनात थी अब उसके बाद ये उनको शहीद मानने को तैयार ही नहीं होंगे क्योंकि जब ये सम्मान हो गया सारी चीज़ें हो गई उसके उसके बावजूद भी भारत सरकार इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है अब ये अपना ही पतस्थिति पत्र देने के बाद भी नहीं मानते हैं आप क्या काम करते हैं और पुश्तैनी काम आपका क्या रहा है वैसे हम तो वाल्मीकि समाज से बिलोंग करते हैं जो कि सफाई का काम का करके अपना गुजर बसर करता ज़्यादा कर तो हमारे लोग यही काम करते हैं और मैं इस टाइम जो हूँ मैं भी मेरे पिताजी सफाई वाले थे एयरफोर्स स्टेशन पालम के अंदर और मैं एम पद पर कार्यरत हूँ और मुझे तो इस केस में कुछ ऐसा भी नज़र आता है कि इसमें कुछ जातिवाद का भी अंगन नज़र आता है मेरे को क्योंकि मतलब जैसे कि अगर ये अच्छी कम्युनिटी से होते तो इनका सम्मान कब का हो जा चुका होता सरकार की तरफ से क्योंकि ये दलित हैं और इस करके इनको ये आज तक ये सम्मान नहीं दिया गया जो जिस चीज़ के ये हकदार थे आ, कभी आपने बाकी और लोगों से मदद लेने की कोशिश की किसी ने मदद की आपकी नहीं हमारे यू एस आई के साहब हैं राणा चिन्ना उन्होंने ही मेरी मदद करी और बाकी एक रिपोर्टर थे 2015 हज़ार पंद्रह सात सितम्बर को रवि हेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया के वो थे उन्होंने मेरा एक आर्टिकल छापा था उसके अलावा ये मुद्दा आया नहीं कभी नहीं यानी मैं घूमता ही रहा मैंने नेताओं के पास भी बहुत गया हूँ एम के पास भी गया मीनाक्षी लेखी जी को भी मैंने कई पत्र लिखे मैंने रक्षा मंत्री जी को राजनाथ सिंह मैं राजनाथ जी को तो नहीं लिखा लिखा हाँ पारिकर साहब को मीनाक्षी लेखी जी को सांसद की वजह से मैंने तकरीबन लोगों के राष्ट्रपति जी से लेके प्राइम मिनिस्टर मोदी तक जी को मैंने सबको लिखा लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा एक लाइन में अगर आप कहें कि आपकी मांग क्या है मेरी जो कुल मिला जो हिस्ट्री डिवीज़न में जो किताब लिखी हुई है बल्डवार के शहीदों की उसमें मेरे दादाजी का नाम होना चाहिए और जहाँ उनका जो भी उनका सम्मान है उनको क्योंकि अभी तक तो सब इन वाली डेट या आउट ऑफ सर्विस ही बोला जाता रहा तो कम से कम वो ये सर्टिफिकेट के हिसाब से तो शहीद ही रहेंगे वो कम से कम उसको देख तो के हमें तसली तो होगी कि हाँ परिवार ने जब इतना बड़ा सम्मान लिया है तो उ, 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 उसकी वजह से उन उ, इस चीज़ को तो आ, मानेंगे हम लोग के हाँ हमारे बुजुर्ग ने कुछ किया है हम देश के लिए आपको क्या लगता है कि क्या दिक्कत होगी जो इतनी बुनियादी चीज़ आपको नज़र आ रही है वहाँ से भी क्योंकि लंबी लड़ाई भी हो गई हर तरह से आ, अगर सरकार करना चाहे तो कितना टाइम लगेगा इसे अगर उसके अंदर विल पावर हो या उससे लगे कि ये सही है नहीं वो करना चाहे तो उनको तो क्या मतलब दो दिन के अंदर कर सकते हैं आप वो लेटर देखें उस पर डिसाइड करें और कहें कि जो इनको ओरिजिनल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स दिए हैं हम उनको रिकगनाइज़ करते हैं और ऑनर करते हैं उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि देखिए ये सिर्फ एक नोशनल लड़ाई है क्योंकि जहाँ तो जहाँ तक ऑफिशियल मेमोरियल का सवाल है जो सी डब्ल्यू जी सी मेंटेन करता है उसके अंदर तो उनका नाम दर्ज है ये सिर्फ एक पिछले 10-12 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ अपना सर खपा रहे हैं कि आप अपने रिकॉर्ड के अंदर उनका नाम दर्ज करें और गवर्नमेंट ने आ, आ, हमने तो जैसे अब अपना नेशनल वॉर मेमोरियल बना है वहाँ सैंतालीस से पहले के तो सिपाहियों के नाम हैं ही नहीं तो नाम ना तो इनका कहीं नाम आएगा ना इनको एक नया पैसा मिलेगा ये सिर्फ एक सम्मान के लिए अपना कि उनका जो नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने रिकॉर्ड के अंदर उसका ऐड करे और कुछ भी नहीं है उसमें क्या कोई जो अपैथी है उसका कोई कास्ट एंगल भी हो सकता है क्या क्योंकि कई लोग ये भी बोलते हैं कि भाई क्या इससे क्या फर्क पड़ता है ही वॉज नॉट फाइटिंग ऑन द बैटल फील्ड ही वॉज अ स्वीपर ऑल द मोर रीजन दे कि भाई एक अगर आ, अगर उस एंगल से भी अगर आप देखते हैं जो कि मेरे हिसाब से नहीं देखना चाहिए आई डोंट थिंक एटलीस्ट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर इस तरह का कोई कास्टिस्ट uh, व्यूज़ या एटीट्यूड्स नहीं रहते हैं सब की बराबरी होती है आई पर्सनली फील इस इज़ जस्ट एक ब्यूरोक्रेटिक जो ब्लाइंडस uh, या uh, एपथी है उसका वो है लेकिन अगर आपको एरर करना है आई फील देन ऑल द मोर रीजन कि आप देखें कि क्योंकि एज ए स्वीपर बहुत कम आपको नाम मिलेंगे जो कि एक वॉर uh, कैजुअलिटी uh, के अंदर uh, उनका लिस्ट uh, में नाम आता है तो वी शुड ऑनर हिम ऑल द मोर 2006 से जो ये लड़ाई चल रही है इसमें बहुत अहम पड़ाव आए और शायद इस लड़ाई के ज़रिए ही पता चला कि कितने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग देशों से काम कर रहे हैं या उनसे जानकारी हासिल की जा सकती है और इसके लिए गंगाराम निश्चित तौर पे बधाई के पात्र हैं अब देखिए 19 जनवरी 2011 को कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन ने गंगाराम को एक जो पत्र उन्होंने लिखा था उसके जवाब में जानकारी दी ये जानकारी बहुत अहम है आपको इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी इसमें बाकायदा लिखा है कैजुअलिटी डिटेल्स इसमें लिखा है रैंक सोवार सरनेम लाहौरी रेजिमेंट का नाम है सर्विस नंबर है उम्र है 37 डेट ऑफ डेथ है 12 बारह आ, उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा है कि यह मृत्यु कहाँ कहाँ दर्ज है दिल्ली कराची 1939 थर्टी नाइन टू नाइनटीन वॉर मेमोरियल्स बाकी इसमें आगे की जानकारी है कि वह किसके बेटे थे पूरा का पूरा जो इतिहास है वह भी लिखा हुआ है और साथ ही साथ जो बहुत एक अहम चीज़ उन्होंने लिखी है इस कागज़ के जरिए जिसके आधार पर कायदे से अगर सरकार करना चाहती तो अब तक न्याय कर सकती थी यह कागज़ बताता है कि उन लोगों ने जो कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन है उसने यह स्पष्ट रूप से मांगा था कि लोहारी राम एक युद्ध कैजुअलिटी थे यहाँ उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि उनके पास जो रिकॉर्ड है जिसका ज़िक्र दिल्ली और कराची में जो वॉर मेमोरियल है वहाँ पर है जिसके बारे में गंगाराम जी भी हमें बताते हैं उनका पूरा परिवार बताता है कि वहाँ पर जो वॉर मेमोरियल है उसमें दर्ज है उनका नाम दर्ज है और यह कागज भी बताता है कि वह एक वॉर कैजुअलिटी थे यहाँ पर मेरे हाथ में जो कागज़ है यह इन्हें मिला था यह जवाब इनके पास आया था 31 जनवरी 2016 को यह जवाब आया आर्म क्रॉप्स रिकॉर्ड की तरफ से और इसकी अंतिम लाइन में यह कहा गया है कि आप गंगा राम को यह आदत हो गई है कि वह बार बार जो उच्च अधिकारी हैं उन्हें परेशान करते हैं वे बार बार अपने जो दादा हैं जो स्वीपर लाहौरी हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड की कैजुअलिटी हैं उनके बारे में बात करते हैं और इस पूरे के पूरे दस्तावेज़ में उन्होंने अभी तक की जो पूरी लड़ाई है इसे खारिज करते हुए कहा था कि वह एक नेचुरल डेथ मरे थे और कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन का जो कागज़ है वह सच्चा नहीं है बुनियादी तौर पर ये जो लड़ाई है यह लोकतंत्र में किस तरह से लड़ना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है क्योंकि गंगाराम बार बार इस बात को दोहराते हैं कि उनके पास ना इतना पैसा है ना इतना रसूख कि वह अदालत में बड़ी लड़ाई लड़ पाएँ या बड़े अधिकारियों से पहुंच पाए लेकिन तब भी आप सोचकर हैरान होंगे कि वह देश के गृहमंत्री से लेकर देश के रक्षा मंत्री तक प्रधानमंत्री तक हर जगह जहां भी संभव हुआ उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया पूर्व रक्षा मंत्री से वह खुद मिलकर आए उन्हें भरोसा मिला लेकिन जिस न्याय और इंसाफ की उन्हें दरकार थी वह नहीं मिल पाई you <laughs>